Ouais, क्लास मैंने आपसे गुड आफ्टरनून बोला, सबको आ रही है सर, आ रही है। क्लियर आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। चलिए, क्लियर आवाज आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो हम जरा स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम डाइजेशन के बारे में, राइट? यस सर। ओके, पढ़ा पढ़ा डाइजेशन? एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ी तुम लोगों ने? नहीं पढ़ी? एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? यस क्या पढ़ा एनसीईआरटी में? सर, जितना आपने पढ़ाया और उससे थोड़ा आगे। क्या क्या समझ में आया, बता सकते कुछ डाइजेशन के बारे में? सर यही कि सर जो आपने समझाया था और उसके आगे जो इंटेस्टाइन होते हैं उनके पार्ट्स होते हैं, बस थोड़ा समझे। इतना ही पढ़ा पूरे एनसीईआरटी में? सर पढ़ा तो है पर सब कुछ याद नहीं है सर। कोई बात नहीं, जितना ज्यादा उतना थोड़ा आइडिया देते। मुझे मुझे कौन सा सारा कुछ जाना तेरे से, पढ़ाऊंगा मैं। सर आप क्वेश्चन पूछ लो, ऐसे बता दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पूछना मुझे। मैं तो जाना, तूने क्या क्या पढ़ा? तूने एलिमेंट्री के नल की लाइन इंडक्शन के पार्ट पढ़े हैं और क्या क्या समझ में आया पढ़ के? मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि तुम एनसीईआरटी से पढ़ के कितना समझ पाते हो अपने आप को। उतना जानने की कोशिश है मेरी तुम लोगों से कि कितना तुम इसमें एफर्ट वो डाल रहे हो। चलो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको नजर आएगी। ओके, तो आपको मेरे ख्याल से ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। यस चलिए इसको हम आज प्रेजेंटेशन से पढ़ेंगे। थोड़े डायग्राम डायग्राम हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है। और लास्ट क्लास में मैंने क्या शायद आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था, बहुत क्लियरली आप लोगों को बताई थी मैंने ये बात कि बेटा डाइजेशन में हमें ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फूड मटेरियल होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स कितना कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो आप खाना खा रहे हो उन सब में जो फूड है वो किस फॉर्म में है भाई। वो या तो प्रोटीन की फॉर्म में है जिसको अमीनो एसिड में तोड़ना है, ठीक है, या तो वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में है जिन्हें हमें मोनोसेकेराइड की फॉर्म में तोड़ना है, ठीक है, या जो फूड खा रहे हैं हम वो हो सकता है कि फैट्स की फॉर्म में हो, ट्राइग्लिसराइड्स की फॉर्म में हो, उसे हमें फैटी एसिड में ब्रेक करना है, तो या डीएनए वगैरह आरएनए वगैरह उसे हमें न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक करना है। तो ये सारी बातें आपको मैंने पिछली क्लास में ही सब डिस्कस कर रही थी। तो आपको ये बताया था कि हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और होलोजोइक में तुमको ये भी बताया था बेटा मैंने कि इसमें क्या होता है कि एक होता है इंजेशन, इंजेशन के बाद रहता है डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद रहता है एब्जॉर्प्शन, और जो एब्जॉर्ब प्रोडक्ट रहा है उसका रहेगा क्या, या तो एसिमिलेशन, और जो डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसका इजेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा सिनेरियो है। मतलब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए, ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें बताया था कि माउथ है, बकल कैविटी है, नीचे आएंगे ईसोफेगस है, फिर स्टमक है, ठीक है। क्लास 10th में आप ये पढ़ के आ रहे हो तो आपके लिए कुछ ये कुछ नया नहीं है, है ना? इट्स नथिंग न्यू टू यू। तो ये इधर स्टमक है, ठीक है, इधर पैनक्रियाज,
है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से आ रहा है, ये स्टमक बन रहा है, फिर आगे घूम फिर नीचे से यहाँ से ये फोल्ड हो गया है, और फिर अल्टीमेटली जो फाइनल ओपनिंग है बेटा वो एनस है। ठीक है, तो एनस इज द अल्टीमेट फाइनल ओपनिंग। तो मतलब ये एक ट्यूब ही है जो कहीं कहीं पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कॉइल्ड है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्ट्रेट है, इस वजह से स्ट्रेट है, नीचे कॉइल्ड है। ठीक है, फिर और दूसरे ऑर्गन कौन से, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। तो दिस इज द डायग्राम फॉर द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया कि हम एक ऑर्डर में स्टडी करेंगे, और ऑर्डर में सबसे पहले हमारे पास आता है दी बकल कैविटी या माउथ की कैविटी। तो माउथ की कैविटी या जिसे आप बकल कैविटी बोलते हैं उससे शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पे अटेंशन, यहां तक क्लियर है लोगों को? डाउट तो नहीं दे रही हो? नो सर। हाँ जी, किसी को यहाँ पे, यहाँ तक कोई किसी को, किसी पार्टनर को डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अच्छा, अब सारी बातें करने से पहले जो सबसे पहले सारी बातें करने से पहले जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट बात हमारे दिमाग में आती है या जो स्टडी हमें करनी होती है, मतलब वो स्टडी करनी होती है मैं एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी की। अब देखिए, हिस्टो मतलब टिश्यू होता है, राइट? हिस्टो मतलब टिश्यू, एनलॉजी मतलब स्टडी, तो हिस्टोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ द टिश्यू, राइट? सो हमें ये समझना है कि एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले तो समझिए, एक पूरी की पूरी ट्यूब है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो है एलिमेंट्री कैनाल आपका, ये एक सिंपल पूरी की पूरी ट्यूब रहती है, इट्स अ कंप्लीट ट्यूब। अब इस ट्यूब के ऊपर बहुत ही मोटी ट्यूब होती है, ठीक है ना? तो मान लेते हैं ये ट्यूब की पूरी लेयर है, लेट्स से ये पूरी ट्यूब की लेयर है यहाँ पे, है ना? तो ये ट्यूब की क्या क्या लेयर रहती है अंदर से बाहर की तरफ, उसकी बात करते हैं। तो अंदर से बाहर हम जब ट्यूब्स की लेयर की बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास एक लेयर आएगी सबसे अंदर वाली, जिसका नाम है बेटा म्यूकोसा। ठीक है, इसका नाम म्यूकोसा है, म्यूकोसा। अब ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको हम म्यूकोसा बोल रहे हैं बेटा, ये जो लेयर है दिस इज एक्चुअली द एपिथेलियल टिश्यू। मतलब ये कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, द एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि एपिथेलियल टिश्यू द एक तरीके का सपोर्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है ना? और ये लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन बनाता है या कवरिंग ऑफ द ऑर्गन बनाता है, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन बना रहा है, ठीक है? लेकिन ये ऑर्गन कवरिंग भी बना सकता है। तो एक तो इसकी अंदर वाली लाइनिंग है वो एपिथेलिया की बनी हुई है म्यूकोसा, और जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है बेटा, ये जो आप आउटर मोस्ट देख रहे हो, अटेंशन ध्यान दीजिएगा, ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो आप आउटर मोस्ट देख रहे हो, बाहर वाला देख रहे हो, ठीक है ना, ये भी एपिथेलियल टिश्यू है, लेकिन इसका नाम हम म्यूकोसा नहीं बोलते, इसका नाम बेटा हो जाता है सेरोसा। ये कहीं लिखा होगा यहाँ पे, ये लिखा है नीचे, देखेंगे आप ये नीचे लिखा है सेरोसा। तो नीचे सेरोसा है जो भी, जो एक आउटर मोस्ट लेयर भी एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि एपिथेलिया ही ऑर्गन की कवरिंग बनाता है और लाइनिंग भी एपिथेलिया करता है, तो अंदर भी एक एपिथेलियल टिश्यू, उसका नाम है म्यूकोसा। तो ये सबसे अंदर हो गया म्यूकोसा, और सबसे बाहर क्या हो गया बेटा, सेरोसा हो गया, ठीक है? अब बचा क्या, अब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे हमारे पास म्यूकोसा की, बेटा याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब म्यूकोसा रहता है। अब जिन लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ठीक है ना, जो आई सपोज बैच A01 है, उनको पता है, उनको पढ़ाया गया है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में कि जो सब म्यूकोसा होता है वो एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूँ कि बेटा कनेक्टिव टिश्यू क्या रहता है, कि कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो जैसे कि ये सब म्यूकोसा है यहाँ पे, इसमें सेल्स वगैरह लूजली पैक्ड रहते हैं। एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग तरीके का रहता है, हमारा बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है,
और इसमें लूज भी आता है, डेंस भी आता है, अलग अलग तरीके के कनेक्टेड टिश्यू आते हैं। सब म्यूकोसा एक तरीके का लूज कनेक्टेड टिश्यू है, इसमें लूज 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 सेल्स होंगे, बेसिकली WBC, ब्लड सप्लाई होगी, नर्व सप्लाई होगी, ये सब सब म्यूकोसा में रहता है। तो म्यूकोसा के बाद बेटा आप क्या देख रहे हो कि दूसरी लेयर जो रहेगी वो सब म्यूकोसा रहेगी, दैट इज कनेक्टेड टिश्यू। तो सबसे अंदर एपिथेलियल टिश्यू, सबसे बाहर एपिथेलियल टिश्यू, सबसे अंदर वाले का नाम म्यूकोसा, सबसे बाहर वाले का नाम सरोसा, और म्यूकोसा के बाद जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू आ रहा बेटा, उसका नाम हो गया दी सब म्यूकोसा। और इजी टू रिमेम्बर है, म्यूकोसा के नीचे क्या है, के नीचे क्या होता है सब। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। बेटा एक मिनट, हाँ बेटा अब आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। बेटा लास्ट लास्ट क्या सुना आप लोगों ने? सर सब म्यूकोसा के बारे में। चलो सब म्यूकोसा के बारे में बता रहा था कि सब म्यूकोसा क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू रहता है, ठीक है ना, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैंने A01 वाले बैच में आपको कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बताया था, और B01 वालों को बता देता हूँ, ठीक है, जो B01 में थे, कि बेटा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनको नहीं आइडिया होगा क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वाला चैप्टर नहीं हुआ है, तो उनको बताया। तो बेटा कनेक्टिव टिश्यू क्या रहता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ टिश्यू जो चीजों को कनेक्ट करता है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका वो हो गया, आपका बोन हो गया, आपका कार्टिलेज हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो आपका बोन, कार्टिलेज, ठीक है ना, इवन टेंडन्स, लिगामेंट्स, ये सब कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और इसमें एक और होता है द लूज कनेक्टिव टिश्यू। और बेटा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, उसमें ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है, और बाकी चीजें होती हैं, ब्लड सप्लाई रहती है और बाकी चीजें रहती है, नर्व सप्लाई रहती है, ये सब चीजें रहती है, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो उसमें ब्लड सप्लाई रहती है, नर्व सप्लाई रहती है, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं दी सब म्यूकोसा, जो आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये जो लेयर आप देख रहे हो, ये बेटा मसल्स की लेयर है, ठीक है ना। अब मसल्स की लेयर का नाम आप सोचो क्या रखा जाएगा, सिंपल है, मसल वाली मस्क्यूलरिस। अच्छा, मस्कुलरिस में बेटा कौन कौन सी आ जाएंगी? अब आप ध्यान से देखो, जो अंदर वाली होती है ना, जो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो अंदर की तरफ है, देखिए आप दो बगैर की मस्कुलर देखेंगे, आप एक आप देखेंगे, एक आप देखेंगे अंदर की तरफ, जो कि थोड़ी
सर्कुलर शेप की होगी, राइट, क्लियर, इस तरीके से। और मैं दोबारा बता दूं बेटा, ये एक्चुअली मेरे घर में ना बहुत सारे, मैं थोड़ा यहाँ बाहर की तरफ आया हूँ और यहाँ पे मेरे बहुत सारे रिश्तेदार जो है वो इकट्ठे हो गए हैं, खैर इनको समझ में नहीं आता कि किसी की क्लास चल रही है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खैर चलिए तो बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे सर्कुलर मसल्स हैं, ठीक है, जिसकी यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं दिस आर सर्कुलर मसल्स, और उसके अलावा जो आप दूसरी टाइप की मसल्स देख रहे हैं यहाँ पे, वो जो मसल्स है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, ये इस तरीके से एक्सटेंडेड टाइप की। तो एक आपकी सर्कुलर मसल्स जाती हैं और एक आपकी कौन सी जाती है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स, द सर्कुलर एंड द लॉन्गिट्यूडनल वंस, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है मस्कुलारिस। अब आप मुझे बता सकते हैं कि आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये मसल्स क्या रोल कर रहे होंगे, क्या काम होगा इनका? सर पेरिस्टाल्सिस में। और एक सर्कुलर है, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल लिखा हुआ है कि ये वाली लॉन्गिट्यूडनल और ये वाली कौन सी है, सर्कुलर। हाँ बेटा और बताओ, फंक्शन जरा सोचो क्या काम होगा। सर ये लॉन्गिट्यूडनल वाली बाहर की तरफ होती है ना बेटा, अभी यही तो बता रहा, तू मुझे नया क्या बता रहा है, ये अभी बताया ना कि अंदर की तरफ सर्कुलर बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल है। कंफर्म करने के लिए मैंने आपको अभी अभी ये बताया कि बेटा पहले आएगा आपका म्यूकोसा, फिर आएगा सब म्यूकोसा, फिर आएगा आपका मस्कुलारिस, और मस्कुलारिस में भी पहले आएंगे सर्कुलर, फिर आएंगे लॉन्गिट्यूडनल, और फिर आएगा आपका सरोसा। तो अभी अभी बताया, यही बताया मैंने। हाँ जी यस सर, अब सोचिए जरा क्या फंक्शन होगा। हाँ बेटा सोचिए जरा क्या फंक्शन हो सकता है इसका। सर बस कॉन्ट्रैक्शन से, जैसे फूड को आगे पुश कर दिया, या फिर कभी देखिए आप शुरू से इमेजिन कीजिए, आपने खाना खाया, खा लिया, हाँ सानिया एकदम सही बोल रही है, ठीक है, कि मतलब कि देखिए जैसे आपने खाना खाया, ठीक है ना, खाना खाते सबसे पहले फूड आपके स्टमक में जाएगा, राइट, स्टमक में जाने के लिए ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, जिसको नहीं मालूम मैं लिख देता हूं, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ये आपके ईसोफेगस में रहेगा, इससे फूड कहाँ पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा, एक तो ये मूवमेंट हो गया। फिर आप देखिए कि आपके स्टमक में भी ना स्टमक की भी मूवमेंट्स होती है, उससे फूड एसिड से म्यूकस से फ्यूज होता है, मिक्स होता है, तो जो मिक्सिंग ऑफ फूड है उसकी उसमें स्टमक की चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी कौन करेगी, ये मस्कुलारिस ही करेगी। फिर देखिए क्या होता है कि आपका फूड बड़ा फिर कोई डाउट होगा, बीच में कुछ कह रहा था सर, द वॉइस वाज क्रैकिंग।
आप क्लियर है बेटा? यस सर। सबको वॉइस क्रैक हो रही है बेटा? यस सर, बीच बीच में हो रही है। कोई बात नहीं, आपको लास्ट में जो सर ने आया वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तक समझ आ गया। हाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बाद बेटा बता रहा हूँ कि पेट में भी तो खाना मिक्स होगा, एसिड में, म्यूकस में, इन सब में मिक्स होगा। तो वो जो खाना मिक्सिंग कर रहा है पेट के अंदर, ठीक है ना, वो फंक्शन भी बेटा आपका किसका हो जाएगा, वो फंक्शन भी आपका मस्कुलरिस का ही हो जाएगा स्टमक के अंदर। अच्छा, फिर जो आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करेगा, थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर बाहर जाएगा, ये भी तो फूड की मूवमेंट ही है। और इन सब मूवमेंट्स के लिए भी बेटा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इन सब मूवमेंट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही रिस्पॉन्सिबल है मस्कुलरिस, है ना। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मस्कुलरिस आपके एलिमेंट्री कैनाल में जितने मूवमेंट रह रहे हैं सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, डेफिकेशन यानी फीकल मैटर का बाहर निकालना, है ना। ओके, तो ये सब इसके क्या रहते हैं? फंक्शंस रहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए यहाँ पे जो नर्व सप्लाई आ रही है उसका क्या फंक्शन होगा? सर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रिदमिक बनाए रखने में। हाँ, मतलब कि जो मस्कुलर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है उसको एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट कराना, एक रिदम में रिलैक्स करवाना। फिर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे म्यूकोसा में जो एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है ना। तो जो एंजाइम्स वगैरह रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो जो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो रिलीज होती है, सेक्रीशन रिलीज होती हैं, उनको भी बताना कि देखो ये सेक्रीशन होगी, ये सेक्रीशन नहीं होगी, वो भी काम करता है कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम का है। जैसे आपको मैं एक जनरल एग्जाम्पल देता हूँ, कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आपको बड़ी अच्छी खुशबू आई हो खाने की और मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया बहुत सारा, मुंह में पानी आ जाता है जिसको बोलते हैं हिंदी में कहावत भी है? यस सर, है ना। तो वो भी कैसे हो रहा है? आप स्मेल कर रहे हो, आपके जो आपका नेजल एपिथेलिया है वहां से वो स्मेल आपके ऑल्फैक्टरी लोब में जा रही है ब्रेन में, फिर ब्रेन में पता चल रहा है ये तो खाना है, और आपको प्रीवियस मेमोरी से पता है कि ये खाना तो बहुत ही टेस्टी होता है, तो आपके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है। सलाइवा क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि सलाइवा भाई डाइजेस्टिव मटेरियल में काम आता है। अच्छा, आज तक ना हमेशा यही इंफॉर्मेशन आपको बताई गई, कहावत हमेशा यही रही है कि खाना देखकर मुंह में पानी आ गया, ठीक है। बल्कि कहावत ये होनी चाहिए एक्चुअल में कि खाना देख के मुंह में पानी आ गया और पेट में एक्सेल आ गया। पेट के एक्सेल की कोई बात नहीं करता, बल्कि सच्चाई यह है कि टेस्टी खाना जब आता है सामने या उसकी खुशबू आती है या इवन उसका जब टेस्ट आता है जुबान पर, तो पेट में काफी ज्यादा एक्सेल प्रोड्यूस होना पहले से शुरू हो जाता है। तो हमारा स्टमक वेट नहीं करता कि खाना आएगा तो एक्सेल रिलीज करेंगे तो डाइजेस्ट करेंगे, तो ऐसा वेट नहीं होता, है ना। पहले ही जैसी खुशबू आई, टेस्ट आया खाने का, वैसे पेट में एक्सेल रिलीज होने लग गया, मुंह में सलाइवा आ गया। ये सारा का सारा एक्चुअली कंट्रोल हो रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा से। आप मेडुला ऑब्लोंगाटा जानते हैं ना सब लोग नर्वस सिस्टम में? यस सर, है ना। हाँ, तो ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा है जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ये कंट्रोल करता है। और ये कैसे करेगा? ब्रेन कैसे कंट्रोल करेगा? नर्व से कंट्रोल करेगा। ये सारी नर्व, ये सारी की सारी ब्लड सप्लाई, ठीक है ना, ये सबके सब यहीं से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये आपके मेनली आएंगे सब, देखो ब्लड सप्लाई मेनली सब म्यूकोसा में आएगी और फिर वहां से म्यूकोसा के पास जाएगी, ठीक। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हो, जो बुक्स वगैरह में क्लियरली नहीं दिया होता कि ये देखो आर्टरी का आर्ट्रियोल आया कहाँ पे, सब म्यूकोसा में, फिर आर्ट्रियोल से कैपिलरीज जा रही है म्यूकोसा में। दैट इज माई पॉइंट बेटा, ये क्लियर है सब लोगों को? सर ये मस्कुलरिस में है या म्यूकोसा में? बेटा आप ध्यान से देखो, ये जो ब्लड सप्लाई, देखो जब ब्लड सप्लाई आएगी तो एंट्री तो सेरोसा से करेगी, ठीक है ना। सेरोसा से एंट्री करते हुए इसके जो मेन ब्रांचेस हैं वो कहाँ रहेंगी? वो रहेंगी बेटा सब म्यूकोसा में, क्योंकि ब्लड सप्लाई कहाँ होती है? डायरेक्ट सब म्यूकोसा में होती है, ठीक है ना। फिर वहां से कैपिलरीज बन के कुछ सब म्यूकोसा में होंगी और कुछ जाएंगी म्यूकोसा के अंदर, ठीक बेटा। डायग्राम में कुछ मस्कुलरिस में भी दिखा रखी है। व्हाट इट
बेटा बट ऑब्वियसली बात है, बात को समझो कि अब मसल तो मर जाएगी ना, उसके पास ब्लड नहीं आएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे, तो ब्लड सप्लाई हर जगह जाती है, ठीक है ना, मसल्स में भी जाती है, स्टमक को समझाती है, म्यूकोसा में जाती है, इसमें जाती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रिच इन ब्लड सप्लाई है, ज्यादा कैपिलरीज कहाँ पर होंगी, जो रिच होगा ब्लड सप्लाई के अंदर वो आपका हमेशा कनेक्टिव टिश्यू रहता है, गॉट द पॉइंट? यस सर, ओके। देखिए ब्लड सप्लाई हर जगह है, वरना टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, ठीक है ना, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, आपको ये पहले बताया गया कि कनेक्टिव टिश्यू में जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सब म्यूकोसा है, ठीक है ना, वहां पर ब्लड सप्लाई मेनली ज्यादा रहती है, गॉट इट? यस सर, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, लेकिन आप अगर देखेंगे तो म्यूकोसा की खुद की तीन लेयर्स होती हैं, एक उसका एपिथेलिया, एक उसका कनेक्टिव टिश्यू जो कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, और तीसरा उसकी खुद की मसल्स, मतलब म्यूकोसा की भी खुद की तीन लेयर्स हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा के अंदर है, और आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, आप बस यही ध्यान रखो कि म्यूकोसा मेनली एपिथेलिया का बना हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि म्यूकोसा में भी तीन लेयर्स होती है, एपिथेलिया, एक कनेक्टिव टिश्यू और एक मस्कुलरस। तो म्यूकोसा के पास अपनी ब्लड सप्लाई भी है इन द फॉर्म ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम साइंटिफिकली लैमिनिया प्रोप्रिया बोल देते हैं, लैमिनिया प्रोप्रिया, ठीक है, लैमिनिया प्रोप्रिया इसका नाम है, कभी टर्म आ जाए लैमिनिया प्रोप्रिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हेल्पिंग द एपिथेलियल टिश्यू, ऐसा आप कह सकते हैं। अच्छा एक चीज बहुत और इंटरेस्टिंग है, ये आपको जानना जरूरी है कि म्यूकोसा के साथ उसके जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें एक चीज होती है माल्ट, ये आपके ट्वेल्थ में आएगा, लेकिन मैं आपको आज बता देता हूँ, ट्वेल्थ में आपको इजी रहेगा समझना इस बात को कि जो आपका म्यूकोसल एपिथेलिया है उसके साथ एक जो स्पेसिफिक लिम्फोइड टिश्यू है वो एसोसिएटेड है। और सवाल ये आता है कि लिम्फोइड टिश्यू क्या होता है, अब लिम्फोइड टिश्यू समझने के लिए आप मेरी बात ध्यान सुनेगा, आप अपने ब्लड के बारे में जानते हैं, क्या जानते हैं आप ब्लड के बारे में, थोड़ा ब्लड के बारे में बताइए। सर ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लाज्मा का बना हुआ है, वाटर प्लाज्मा के अंदर, और जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो भी काफी प्रकार के होते हैं। मैंने एक अभी सिंपल भाषा इस्तेमाल करते हैं, जहां तक तुम मुझे बता रहे हो कि ब्लड में दो चीजें, एक तो पानी और उसके सेल्स, यही बोल रहे हो? हाँ सर। बेटा पानी को हम बोलते हैं प्लाज्मा, और सेल्स को तुम बोल रहे हो? हाँ, सेल्स को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, है ना? यस सर। पानी और प्रोटीन और आयंस वाले पार्ट को प्लाज्मा बोल देते हैं, है ना? चलो इस पानी प्रोटीन और आयन वाले पार्ट को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, साइड में कर देते हैं, ठीक है। बच्चे कौन से सेल्स हैं, किस किस तरीके के सेल्स पाए जाते हैं आपके इसमें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड में? बहुत ही बढ़िया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी तो ब्लड कैपिलरी के अंदर होंगे, फ्लो कर रहे होंगे, ऑक्सीजन कैरी कर रहे होंगे, राइट? यस सर, ठीक है। बेटा ये डब्ल्यूबीसी क्या कर रहे होंगे, छोड़ो प्लेटलेट क्या कर रहे होंगे? WBC भी प्लेटलेट्स तो सर ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं ना वो, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। WBC क्या करते हैं? WBC सर फॉरेन, जो फॉरेन इंफेक्शियस मटेरियल इंफेक्शन होते हैं उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं बॉडी में, बैक्टीरियल डिसीज, मतलब हमारी बॉडी के सोल्जर yes, सर हमारी बॉडी एक्चुअली वो सोल्जर तो हैं कि जो भी बॉडी से क्या कर रहे हैं अपने पैथोजन से लड़ रहे हैं ना, तो वो आपके हो जाते हैं मेनली द WBC जो पैथोजन से क्या करते हैं लड़ाई करते हैं, राइट? ठीक है, इतना आपको पता है। अच्छा इन WBC में भी अलग अलग तरीके के WBCs होते हैं, तो एक WBCs है जिनका नाम है लिम्फोसाइट, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर लिम्फ नोड्स में कंसेंट्रेटेड रहते हैं। अब ये लिम्फोसाइट और दूसरे WBCs गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं, पैच में प्रेजेंट होते हैं, या काफी सारे एक साथ होते हैं, एक मतलब कि काफी कंसेंट्रेटेड रहते हैं, किसमें? म्यूकोसा के जस्ट नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें, या म्यूकोसा के एपिथेलिया में,
ये वाला जो रीजन है मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये वाला है ना, ये भी कनेक्टेड, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ये जो आपका म्यूकोसा है ना, म्यूकोसा सर आपकी वॉइस बीच बीच में म्यूकोसा क्रैक हो गया बाद में, ये जो ये वाला है मैं माफ करता हूँ सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, ये वाला ये जो बीच में देख रहे आप ये ठीक है ना, यहाँ पर माल्ट रहता है म्यूकोसल मतलब म्यूकोसा का, म्यूकोसल एसोसिएटेड मतलब म्यूकोसा के साथ, म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू मतलब लिम्फोसाइट एंड अदर। सर ये बीच का समझ में नहीं आया, लास्ट क्या सुना बेटा? सर आप बस आप लेवल करके बता रहे थे कि मैं कह रहा बेटा लास्ट के बाद सुना आपने है। सर डब्ल्यूबीसी बेटा लास्ट क्या सुना आप लोगों ने? सर डब्ल्यूबीसी तक कहानी चली। हाँ आखिरी क्या सुना वो बता दे सर, डब्ल्यूबीसी तक हो गया था, उसके बाद आप माल्ट के बारे में बताने जा रहे थे। हेलो सर। हाँ मैंने कहा था कि मैंने कहा था ये जो रीजन है ये बीच में आप देख रहे हो, ये यहाँ इसको बोलते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी या लिम्फोसाइट्स क्या रहेंगे बेटा? कंसंट्रेटेड रहेंगे ठीक है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, तो दोबारा सुन ले, जो आपके डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट्स वगैरह यहाँ कंसंट्रेटेड रहेंगे ठीक है, एंड ये जो डब्ल्यूबीसी है ये लिम्फोसाइट्स है एसोसिएटेड है किसके साथ? म्यूकोसल एपिथेलिया के साथ या म्यूकोसा के साथ एसोसिएटेड है, म्यूकोसा में ही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू मुझे आपको बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में ये जो लिम्फोइड टिश्यू है ये किस लिए है, ये आप के इम्यूनिटी के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है पॉइंट? सारी बात समझ में? किसी को कोई डाउट? सर ये वो सर ये इम्यूनिटी में कैसे हेल्प करते हैं बेटा? इसमें क्या कौन से सेल्स कंसंट्रेटेड है? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट क्या काम करते हैं? पैथोजेंस को मारते हैं। सर वो काम तो SCL भी कर सकता है ना बेटा? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप जरा।
ओके बेटा, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ना बेटा, सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। आपका ये सब हाँ पता है मेरे को, शेयर क्यों ये पहले बता। क्या सर स्क्रीन शेयर क्यों ये देखियो जरा, वहां पर लिखा रहा है प्रेजेंटिंग। नहीं सर नहीं आ रहा जब। तो फिर कैसे नजर आ जाएगी स्क्रीन? ओके सर, वहां प्रेजेंटिंग लिखा और आ रहा हो तुझे नजर में आ रही हो तो बोला कर। बाकी सब लोगों को क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस जी।
अब बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हेलो, ऑडिबल है मेरी वॉइस? यस सर। यस सर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम क्या बात कर रहे थे लास्ट टाइम? ओके तो अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी? यस सर। चलिए तो बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही थी। ओके तो मैं आपको ये बता रहा था कि देखिए एक आपका म्यूकोसा हो गया, ठीक है बेटा, और फिर आपका बेटा ये सबम्यूकोसा हो गया, ठीक है। और आपको मैं माल्ट के बारे में आइडिया दे रहा था कि बेटा माल्ट क्या होता है। इट इज अ म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है बेटा। तो इट इज अ म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक, जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ओके और ये आपकी पूरी हिस्टोलॉजी होगी। आपको चार ही पॉइंट याद रखने हैं, द इनर मोस्ट म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस और आउटर मोस्ट सेरोसा। तो ये आपकी टोटल चार लेयर हो जाएंगी हिस्टोलॉजी के अंदर, और ये आपको हमेशा याद रखनी है। आपसे इससे ज्यादा बाहर से कोई कुछ नहीं पूछेगा। चलिए अब जो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, बकल कैविटी की। अब जैसा कि मैं आपको, आप इस डायग्राम में भी पूरा क्लियरली देख पा रहे हैं, बकल कैविटी के अंदर ये सारा रीजन आता है ना। जैसे कभी आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपसे ऐसे टॉर्च पकड़ करके मूवमेंट मारता है, और जो रीजन वो ऑब्जर्व करता है बेटा वो आपका बकल कैविटी रहता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बकल कैविटी के अंदर कुछ आपके कुछ रीजन्स हैं, ठीक है ना, जैसे टंग हो गया, ठीक है ना, जॉज हो गए और आपके टीथ हो गए, ठीक है ना। ये जो मेजर रीजन्स हैं आपके, ठीक है ना, ये आपके बकल कैविटी के रहते हैं। इसमें टंग आ जाता है, इसमें टीथ आ जाता है, ठीक है, ठीक है, इसमें इसमें आपके लिप्स वाला रीजन भी आ जाएगा। ये सारा बकल कैविटी का क्या हो जाता है, रीजन हो जाता है। अब इसमें हम एक एक रीजन को लेकर ध्यान से पढ़ रहे हैं। उससे पहले आप ध्यान से समझिएगा कि ये देखिए, इस रीजन को हम पैलेट बोलते हैं। यहाँ पे ये जो बोनी वाला पार्ट है बेटा, इसको हम बोलते हैं दी हार्ड पैलेट। और जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे तो सॉफ्ट पार्ट आ जाएगा, और उस सॉफ्ट पार्ट को हम बोलते हैं कि सॉफ्ट पैलेट। तो एक बेटा हार्ड पैलेट रहेगा, एक रहेगा सॉफ्ट पैलेट। और जब सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट देखेंगे, ये जो नीचे की तरफ हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा, ये सॉफ्ट पार्ट वाला जो लास्ट पार्ट रहेगा इसको हम बेटा बोलेंगे यूब्यूला। अब देखिए यूब्यूला का फंक्शन क्या है कि मान लीजिए आपने खाना खाया, ठीक है, तो ये बॉलस आया है, ये बॉलस मूव करेगा। अब ये यूब्यूला जो आप देख रहे हो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, ये ऊपर हो जाता है। यूब्यूला इस तरफ से ऊपर हो जाएगा और ये फूड को, क्योंकि खुद ऊपर हो गया, क्योंकि ये खुद बेटा ऊपर हो गया, तो ये फूड को ऊपर नहीं जाने देगा। जैसे ये फूड है, फूड कह रहा है ऊपर जाऊंगा, तो उसको ऊपर नहीं जाने देगा। ये फूड को बोलेगा कि तुम सिर्फ नीचे ही जाओ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, जब ये फूड नीचे पहुंच गया, अब इसके पास दो रास्ते हैं। यहाँ पे बेटा आप देख रहे हैं, एक रास्ता है बेटा आपके विंड पाइप का, जिसको आप बुलाते हैं द विंड पाइप, और एक रास्ता है बेटा आपके ईसोफेगस का, द फूड पाइप का। अब खाना विंड पाइप में भी जा सकता है, फूड पाइप में जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि मान लेते हैं कि बेटा आपका यहाँ पर ये है, ये फूड है, ये जैसे नीचे मूव करेगा ऐसे, ये फ्लैप की तरह एक स्ट्रक्चर है एपिग्लॉटिस,
ये जो एपिग्लॉटिस है बेटा, ये इस तरीके से ऐसे नीचे मुंह पर जाता है, ये इस तरीके से ये ऐसे मुंह पर जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे मुंह कर गया तो फाइनली जो आपका फूड का पार्टिकल है वो आपके सिरप और सिरप ईसोफेगस में जाएगा, मतलब वो विंड पाइप के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो विंड पाइप में जाने के बजाय, ठीक है, वो सिरप और सिरप किस में जाएगा, सिरप और सिरप फूड पाइप में जाएगा, ठीक है। तो आपके एपिग्लॉटिस का जो फंक्शन है वो बेटा क्या हो गया, आपके एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या हो गया, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द विंड पाइप। आ रही है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट? तो एंट्री ऑफ द फूड को प्रिवेंट कर रहा है विंड पाइप के अंदर आपका एपिग्लॉटिस। और कोई आपसे अगर पूछता है कि बेटा एपिग्लॉटिस बना किससे हुआ, तो आप बोलेंगे कार्टिलेज से बना हुआ। फिर कोई फर्दर अगर आपसे पूछता है डिटेल में कि ठीक है कार्टिलेज का भी बना हुआ है, तो किस टाइप के कार्टिलेज का ये बना हुआ है, तो फिर आप उससे बोल सकते हैं कि ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। तो कार्टिलेज ही नहीं है, कौन सा कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट? सर ये वाला पॉइंट वापस बता दो। ये बात सबको समझ में आ रही है आदत? यस सर। कौन से वाला? सर आ रहा है सर समझ में। बेटा कौन से वाले पॉइंट की बात कर रहे हो? सर जो आप मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये जो एपिग्लॉटिस है ये फूड के टकराने की वजह से, ये जो एपिग्लॉटिस है ये फूड के टकराने की वजह से इस तरीके से नीचे मूव कर जाएगा और ऐसे हो जाएगा। अब क्योंकि ये नीचे मूव कर गया इस तरीके से, तो ये जो फूड पार्टिकल है बेटा, ये जो फूड पार्टिकल है ये यहाँ कहाँ पे, ये अपने विंड पाइप में जाने के बजाय ये बेटा आपके फूड पाइप में चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में विदाउट? यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा अब मान लेते हैं कि आप फूड, अच्छा ये होगा कब, जब आप फूड को स्वालो कर रहे हैं, फूड को क्या कर रहे हैं, स्वालो। अब मान लेते हैं कि आपने फूड जो है वो स्वालो किया, ठीक है, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि आपने फूड जो है वो स्वालो किया और उसी वक्त आपने कुछ बोलने की कोशिश करी। अगर आपने फूड स्वालो करते करते बोलने की कोशिश करी तो ये जो एपिग्लॉटिस है, क्योंकि नीचे से एयर आएगी, बोलने के लिए क्या होता है नीचे से एयर आती है, नीचे से एयर आएगी वो पुश कर देगी एपिग्लॉटिस को ऊपर की तरफ। तो अगर एपिग्लॉटिस ऊपर की तरफ पुश हो गया तो बेटा क्या होगा, तो फूड के चांसेस हो सकते हैं कि फूड बाय चांस यहाँ चला जाए, क्योंकि अब ये रास्ता भी खुल गया आपके बोलने की वजह से, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि हमें खाना स्वालो करते वक्त कभी भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम खाना स्वालो करते वक्त अगर बोलेंगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि फूड हमारा जो है वो विंड पाइप में चला जाए, और अगर वो विंड पाइप में चला गया तो बेटा क्या हो जाएगा आपको, चोकिंग हो जाएगी, और उस चोकिंग की वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है अगर कोई उस फंसे हुए खाने को फोर्सफुली पेट से पुश करके बाहर ना निकाले। आपने देखा होगा ना कि किसी को चोकिंग हो जाती है तो पीछे से उसको दोनों हाथ से पकड़ते हैं और झटके से उसको फोर्सफुली पुश करते हैं, एक तेज का झटका देते हैं और उस प्रेशर की वजह से वो जो जो एयर है वो फोर्सफुली निकलती है और वो प्रेशर लगा के खाने को बाहर धकेल देती है। क्लियर है पॉइंट? तो एब्डोमेन से पकड़ के प्रेशर जोर से लगाएंगे पीछे से पकड़ के पर्सन को, तो फिर उसकी चोकिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर हेलिंक मैनवर बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं, वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, बस एक आइडिया दे रहा था मैं आपको। ठीक, तो आपके आपको इतना ध्यान रखना कि आपके बकल कैविटी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं, एक आपका टंग है, एक आपके टीथ है और लिप्स हैं, पैलेट है, ठीक है ना, और यही सब इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो ये बेटा आपके टंग का डायग्राम है, ठीक है। अब जो टंग होती है बेटा वो फ्रीली मूवेबल होती है, ठीक है ना, टंग जो रहती है वो फ्रीली मूवेबल रहती है, और फ्रीली मूवेबल टंग इसलिए है, ठीक है ना, क्योंकि वो नीचे की तरफ, मान लीजिए टंग है, वो नीचे की तरफ एक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती है जिसको आप फ्रेनुलम बोलते हैं, फ्रेनुलम, ठीक है ना, तो जिसको आप फ्रेनुलम बोलते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिससे टंग जुड़ी रहती है एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। इस अटैचमेंट की वजह से टंग चारों दिशाओं में, चारों डायरेक्शंस में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है ना, तो टंग चारों डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, तो इस फ्रेनुलम से अटैच होके ये टंग को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। और फिर जो टंग की मसल्स होती है बेटा वो आगे जाके किससे जुड़ी होती है, मैं आपको बताता हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, फिर टंग की जो मसल्स होती है फाइनली जुड़ी होती है इससे, हायोइड बोन से, ये भी एक पॉइंट है, ये हायोइड बोन सपोर्ट देती है टंग की मसल्स को, ताकि टंग हो गई, नीचे फ्रेनुलम हो गया, फ्रेनुलम आगे जुड़ रहा, फ्रेनुलम फिर आगे मसल्स जो है, फ्रेनुलम जो है अल्टीमेटली सपोर्ट हो रहा है किसके से, हायोइड बोन से, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको तो बस क्या याद रखना है, आपको तो बस एग्जाम के लिए याद रखना है कि फ्रेनुलम नाम का स्ट्रक्चर है जिससे टंग क्या रहती है, अटैच्ड रहती है। क्लियर, आगे बात समझ में। अब देखते हैं टंग में और क्या है, टंग में जो चीजें समझने वाली हैं, पहले तो टंग किस क्या काम में आती है, टंग डाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारे फूड के मिक्सिंग के लिए काम आती है, ठीक है, और किसके लिए काम आती है फूड के मिक्सिंग के अलावा, डाइजेशन के में, फूड के मिक्सिंग के अलावा टंग काम आती है टेस्ट में, ठीक है, और किसमें, और क्या इंपॉर्टेंस है टंग की, टंग जो होती है उसके जो पीछे वाला रीजन रहता है वहां पे टॉन्सिल्स रहते हैं, उसको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स बुलाते हैं, जैसे कि आप ये वाला रीजन देख रहे हैं, दिस रीजन इज रिच इन WBCs, ये WBCs एंड लिम्फोसाइट्स में रिच होता है, ये WBCs एंड लिम्फोसाइट में रिच रीजन रहता है, ठीक है, क्लियर, और इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, दी लिंगुअल टॉन्सिल्स बुलाते हैं, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर आपको इम्यूनिटी भी मिल रही है, तो टंग आपके इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा वाला रीजन, उसका जो एकदम स्टार्टिंग वाला रीजन है वो रीजन, क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो आगे, अच्छा, टंग में आपको ऐसे उठे उठे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये ऐसे ऐसे उठे उठे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे बेटा, ठीक है, इन उठे उठे स्ट्रक्चर्स को हम बुलाते हैं पैपिला, क्या बुलाते हैं, पैपिला। अब इन पैपिला के बारे में बताता हूं, अच्छा, कुछ ऐसे उठे उठे स्ट्रक्चर्स होंगे, इन इन उठे उठे स्ट्रक्चर्स के ना अलग अलग शेप होंगी, अलग अलग शेप में देखिए, ये सब एनसीईआरटी में नहीं किया है मैंने, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इन सारी इन्फॉर्मेशन से ना मैं कुछ कंक्लूड करना चाहता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा, बाद में एनसीईआरटी से रिलेट करूंगा इसको। अब देखिए, अब कुछ पैपिलास जो हैं बेटा वो सर्कुलर शेप के हैं, कैसे बेटा, सर्कुलर शेप के, तो उन पैपिलास को बेटा हम क्या बुलाते हैं, उन पैपिलास को हम बुलाते हैं दी सर्कम वैलेट पैपिला, क्या बुलाते हैं, सर्कम वैलेट पैपिला, क्लियर, ओके, अच्छा, इसके अलावा बेटा कुछ पैपिला कैसे हैं, कुछ पैपिला इसमें फंजाई की शेप के हैं, है ना, उसको हम बुलाते हैं द फंजाई फॉर्म पैपिला, ठीक है, कुछ एकदम शार्प शेप के हैं, मतलब तीखे तीखे हैं, मतलब शार्प एजेस हैं किसी के, उसको बेटा हम बुलाते हैं दी फाइली फॉर्म पैपिला,
ठीक है, फाइलिफॉर्म पैपिला, कुछ इसमें जो होते हैं, खैर हमारे अंदर नहीं होते, ये कॉब फेलस में होते हैं, ठीक है ना, खैर राउंड और सर्कुलर टाइप के शेप के, मतलब कि थोड़े थोड़े लब्यूल लाइक शेप के, ठीक है ना, उसे हम बुलाते हैं, जैसे लीव्स होती हैं, लीफ लाइक शेप के, तो उनको बुलाते हैं फॉलिएट पैपिला। तो पैपिला के अलग अलग नाम है, सर्कम वेलेट पैपिला, फंजाई फॉर्म पैपिला, फाइली फॉर्म पैपिला, फॉलिएट पैपिला। अब इसमें जो ये पैपिला है, ये फंजाई फॉर्म पैपिला, इनमें टेस्ट बर्ड्स नहीं है, फंजाई फॉर्म पैपिला के अंदर टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। कि होता क्या है कि एक पैपिला होता है, ये मान लीजिए पैपिला है, वैसे ये पैपिला हो गया, इस पैपिला के अंदर क्या रहते हैं, टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन सभी पैपिला में टेस्ट बर्ड्स नहीं है। जैसे कि ये फंजाई फॉर्म पैपिला में टेस्ट बर्ड नहीं है, ठीक है, टेस्ट बर्ड मेनली किस में मिलेंगे, आप फाइलिफॉर्म पैपिला में मिलेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे पैपिला के पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते, ये बात याद रखिएगा कि टंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पैपिला, लेकिन सारे पैपिला के पास टेस्ट बर्ड्स नहीं होते। क्लियर पॉइंट, सिर्फ कुछ ही पैपिला के पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, और सभी जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए पर्सन टू पर्सन टेस्ट भी वेरी करता है। हो सकता है कि किसी को करेले की सब्जी बहुत अच्छी लगती हो और किसी को करेले की सब्जी बिल्कुल ही पसंद ना आती हो, किसी को चीनी थोड़ी सी भी बहुत तेज लगती हो और किसी को तेज चीनी भी कम लगती हो, फीलिंग नहीं आती है कि भाई मीठा लगा ही, डाला ही नहीं है इसमें। तो मीठे का, नमक का, खट्टे का, हर एक टेस्ट की सेंसिटिविटी हर ऑर्गेनिज्म की वेरी करती है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है, एज के साथ वेरी करती है। तो मतलब एज के साथ और ऑर्गेनिज्म के साथ, हेल्थ के साथ, मतलब आपको बुखार चढ़ा है तो भी आपके टेस्ट बड्स थोड़े से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के साथ साथ आपका हमेशा ही क्या रहेगा, वेरिएशन रहेगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट। तो टंग आपको क्लियर है, टंग के बारे में कोई डाउट किसी को? सर जो बड्स होते क्या, सर जो टेस्ट बड्स होते हैं वो किस वाले पैपिला में प्रेजेंट नहीं होते? बेटा टेस्ट बड जो है वो जो आपके ये फंजाई फॉर्म पैपिला है इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके सर, वैसे और वो ऑर्गेनिज्म क्या एनसीईआरटी में तो फिलीफॉर्म दे रखा है? किसमें दे रखा है सर? फिलीफॉर्म के पास नहीं होते ना टेस्ट बड्स तो? किसकी बात कर रहे हो सर? फिलीफॉर्म पैपिला के पास टेस्ट बड्स नहीं होते, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आप, अच्छा ओके सॉरी सॉरी माय बैड, आई एम सॉरी, मुझे गलती रह गई इसमें। हाँ यू आर करेक्ट, मैंने तो जो फंजाई फॉर्म पैपिला है इसके पास टेस्ट बर्ड रहेंगे, सॉरी फाइली फॉर्म पैपिला के पास टेस्ट बर्ड जो रहेंगे जो है नहीं रहेंगे, फंजाई फॉर्म में रहेंगे, फाइली फॉर्म में रहेंगे नहीं रहेंगे। सर्कम वैलेंट पैपिला जो है ये स्पेसिफिक है आपके कड़वे टेस्ट के लिए, बेसिकली बिटर टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कड़वे टेस्ट के लिए। और फॉलिएट पैपिला गाय भैंस बकरी वगैरह में रहते हैं, ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होते हैं, ह्यूमंस में रिड्यूस होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइड में देख रहे हैं आप, ये साइड में है ना, ये साइड में फॉलिएट पैपिला है, ये बहुत ही रिड्यूस होते हैं ह्यूमंस में। कॉब फेलोज में यही आप क्या देखोगे, काफी ज्यादा बड़े होंगे। खैर एनसीईआरटी में इतनी इन्फॉर्मेशन गिवर नहीं है, एनसीईआरटी में जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है बेटा वो यही दे रखी है कि पैपिले होते हैं, पैपिले पर टेस्ट बड्स होते हैं, लेकिन सभी पैपिले के ऊपर टेस्ट बड्स नहीं होते। आपको भी इतना ही याद रखना है। क्लियर, कोई डाउट सर? सर इस वाले रीजन का क्या नाम है जहां पर डब्ल्यूबीसी और लिम्फोसाइट से, रीजन का क्या नाम है? बेटा लिंगुअल टॉन्सिल्स मैंने बताया आपको, मिला
ये लिंगुअल टॉन्सिल्स, ठीक है, ये आप सिंपली बोल सकते हो लिम्फोइड टिश्यू, ठीक। कोई डाउट? Anybody having any doubt? सर WBC और लिम्फोसाइट जिनका प्रोपोर्शन होता है वो ज्यादा लिम्फो ब्लड के अंदर ही दिखाई देता है, यहाँ पे ब्लड है नहीं तो ये अपना काम कर लेंगे। मतलब सर जैसे कि तुम्हारे टंग में ब्लड नहीं होता क्या? कभी तुम्हारी दांत से जीभ नहीं कटी क्या बेटा? कटी है सर। तो ब्लड नहीं निकला क्या? नहीं सर, मतलब जब हम खाना खाएंगे उस टाइम ये WBC भी तो मतलब रिलीज होगी ना यहाँ से। मैं समझा नहीं तेरी बात बिल्कुल भी। सर ये WBC और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? फॉरेन पार्टिकल्स पर अटैक करना। फॉरेन पार्टिकल सर जब हम मतलब कोई भी फूड इंटेक करते हैं तो उस टाइम ये WBC और लिम्फोसाइट्स यहाँ से रिलीज होते हैं। हाँ तो फिर ये बिना अगर तू खाना खाएगा तो बेटा एक बात बता, मैं बताता हूँ ये तेरा सवाल जो मैं तुझे जवाब देता हूँ इसकी दिक्कत बता है क्या तुम्हारे कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं बताता हूँ WBC जो होते हैं ना उनकी क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है वो एक प्रोसेस है नोन एज डायपेडेसिस। डायपेडेसिस नाम की प्रोसेस से वो ब्लड कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं, स्क्वीज आउट कर जाते हैं। ये सिर्फ WBC कर सकते हैं। WBC जैसे एक बात बता बेटा तेरा जो तू कौन से बैच का स्टूडेंट है? A01 शुभम। हाँ तेरे को मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तेरे को? हाँ सर पढ़ाया है। एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू याद है कि नहीं याद है? हाँ सर थोड़ा थोड़ा याद है सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा क्या होता फेस टेस्ट भी हो गया बेटा अब तो? हाँ सर मतलब है? याद है। हाँ सर याद है मतलब। हाँ तो एरियोलो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड कैपिलरी देखी है? हाँ सर होती है। अच्छा तो उसके बाहर WBC देखिए लमास सेल और ये सब क्या थे? हाँ होती है मास्टर WBC थे ना बेटा ये सब? हाँ मतलब मास्टर्स भी WBC ये सब WBC थे ना? हाँ यस सर। बेटा मास सेल उसी दिन क्लास में बताया मैथ्स को क्या कर रहा था? मैथ्स का काम क्या था? बाहर के बैक्टीरियल पैथोजेंस को मारना कर रहा है। तो क्या है वो WBC का पार्टी होना चाहिए तो ये सब WBC थे ना बाहर ब्लड कैपिलरी के बाहर ही थे ना? तो ये बताया था ना जो भी कनेक्टेड टिश्यू के ब्लड कैपिलरी के बाहर रह सकते WBC, ये याद रखो कि प्लेटलेट्स और RBC हमेशा ब्लड कैपिलरी ब्लड के अंदर ही होंगे। WBC के लौटे ऐसे जो बाहर निकल सकते हैं और काम कर सकते हैं। अच्छा सारे पैथोजन ब्लड में थोड़ा जाएंगे? तू खाना खाएगा तो सारे पैथोजन तेरे ब्लड में थोड़ा जाएंगे बताने के लिए पैथोजन आ गया है? कुछ पैथोजन तो है ना, मान लो तू सांस ली, मान लो तेरे पे किसने सांस ली उसने बैक्टीरिया था तो सांस लेते हुए तो बैक्टीरिया एंट्रैप होगा तो क्या WBC तो एंट्रैप करेंगे? कौन एंट्रैप करेगा सर? जो नेजल एपिथेलिया है वो एंट्रैप करेंगे। हाँ म्यूकोसल एपिथेलिया अगर म्यूकोस रिलीज करेगा उसी में एंट्रैप हो जाएंगे और WBC पर अटैक भी करेंगे। तो WBC रहते हैं जो माल्ट रहता है ना माल्ट म्यूकोसल टिश्यू वो दो तरीके का होता है, एक आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ एसोसिएटेड जिसको हम बोलते हैं बाल्ट BALT यानी ब्रोंकियल एसोसिएटेड, और एक होता है एलिमेंट्री कैनाल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के साथ एसोसिएटेड उसको बोलते हैं गाल्ट गैस्ट्रिक एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। तो माल्ट भी दो तरीके का रहता है बाल्ट एंड गाल्ट। अब डिटेल्स बहुत सारी है, मैं सारी डिटेल्स में जाना नहीं चाहता हूँ आपके लेवल पे 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो ना, तो अभी मैं ज्यादा ज्यादा बताता जाऊंगा तो फिर आपका पूरा खिचड़ी पक जाएगी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ गया ना? हाँ सर बेसिक थोड़ा समझ गया सर। आप कोई बात नहीं, मैं हमेशा 15 लाइनें बताता हूँ ताकि आपको दो याद रहें। मेरी 15 बातों में से आपको दो याद रखनी होती है।
ठीक है, जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी के लिए वाली बातें समझ जाओ तो उसी के लिए बताता हूँ। हाँ ठीक है, ये सारे टेस्ट बर्ड्स हैं, इनमें आपने देखा किसी कुछ कुछ के पास टेस्ट बर्ड्स हैं, तो ये लाइन है एनसीईआरटी में कि टंग हैज पैपिला सम ऑफ विच कंटेन टेस्ट बर्ड्स, ठीक है, तो वो लाइन अब आपको याद रखनी है। गॉट इट? यस सर। ओके, अब आ जाती है बात आती है टीथ की। तो पहले तो हम आपके टीथ का डायग्राम देखते हैं। ये आपके टीथ है, और मैमल्स के टीथ की तीन प्रॉपर्टी होती हैं, कोई कौन मुझे बताएगा फटाफट से? सर थीकोडोंट, हेटरोडोंट और डायफायोडोंट। एक एक बेटा सानवी स्लो, पहली प्रॉपर्टी बता पहले तो। थीकोडोंट, इसका मतलब क्या होता है? सर जो टीथ है वो जॉ बोन के सॉकेट में है, गम के ऊपर लगे हुए हैं। ये बताया था अधिक, सब लोग देखो ये जो दिख रहा है ये जॉ, ये बोन है, ये जो है ना दिख रहा है ये मैं माफ कर देता हूँ, ये जो जो पत्थर पत्थर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेटा आपका बोन है, आपकी जॉ बोन है। ठीक है, जॉ बोन में कैविटी है, कैविटी में गम्स है, गम्स को क्या बताया था बेटा? जिंजीवा है ना, ये हो गया जिंजीवा, ठीक है ना, गम मसूड़े, इन मसूड़ों के अंदर क्या है बेटा? दांत है, टीथ है, क्लियर? तो पहली प्रॉपर्टी होगी आपके दांत की द थीकोडोंट, टीथ इनसाइड द थीका। किसी को कोई डाउट? क्लियर? अच्छा, और देखिए दांत को एक्चुअली मैं दो पार्ट में बांट सकता हूं, एक इसका ऊपर वाला पार्ट जिसको बोलते हैं क्राउन, और एक होता है रूट। जैसे किसी का ऊपर का हिस्सा दांत का खराब हो जाता है तो आपने सुना होगा कि बोलते हैं उसकी क्राउनिंग कर रहे हैं, उसका क्राउन दोबारा बना रहे हैं, दैट इज क्राउनिंग। और एक आपने सुना होगा RCT, रूट कैनाल टेक्निक, उसमें उसकी रूट के साथ मतलब कि जो भी करते हैं, है ना। तो ये हो गई रूट, और वो क्या हो गया बेटा? क्राउन हो गया। ठीक, अब दांत के टॉप मोस्ट मटेरियल में रहता है इनेमल, ठीक है ना। इनेमल बहुत ही एक डेड मटेरियल है, कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट होते हैं इसमें, कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट, जैसे आपके हड्डियों में रहते हैं ना कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट, वैसे ही सॉल्ट आपके इनेमल में होते हैं। इनेमल के बाद एक और हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनेमल से थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसको बोलते हैं डेंटाइन। तो इनेमल के नीचे क्या है बेटा? डेंटाइन है, क्लियर? अच्छा, फिल रहता है, आपकी ब्लड कैपिलरी रहती है और आपकी ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहती है, वो रीजन को बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं? पल्प। अब देखो आपको ये बात पता है कि कभी कभी वो एड भी आती है ठंडा गर्म लगना, तो पल्प में क्या है? बहुत सारी नर्व सप्लाई है, ठीक है, और जैसे ही ऊपर की लेयर थोड़ी सी पतली हो जाती है, डिग्रेड कर जाती है, तो पल्प काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि नर्व सप्लाई बढ़ जाती है, सॉरी नर्व सप्लाई एक्सपोज हो जाती है थोड़ी सी, है ना, तो फिर वो सेंसिटिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पल्प, और देखिए पल्प से जो नर्व से सीधा जा रही है आपके आगे ब्रेन में जा रही है, ठीक है, सारी बात समझ में। तो ये आपके बेसिक टीथ का स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया? दो पार्ट्स, क्राउन और रूट, और टीथ बना हुआ एनामल और डेंटाइन से। एनामल ज्यादा हार्ड होता है, डेंटाइन थोड़ा सॉफ्ट होता है, एनामल नॉन लिविंग होता है और डेंटाइन कंपेरेट लिविंग होता है, एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिक टिश्यू थोड़ा लिविंग है। फिर गम्स है, जिंजीवा, और फिर आपके ये टीथ है। और हाँ, गम्स को टीथ से जोड़ने के लिए फाइबर्स होते हैं, उसको बुलाते हैं हम पेरीडोंटल लिगामेंट। पेरीडोंटल लिगामेंट एक्चुअली कोलेजन फाइबर्स हैं, और ये कोलेजन फाइबर्स टीथ को गम से जोड़ते हैं। क्लियर है बेटा? कोई डाउट? दांत का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया? सर, बेटा टीथ का स्ट्रक्चर क्लियर है? सर डेंटाइन होते हैं वो लिविंग होते हैं, अनलिविंग? लिविंग, लिविंग, डेंटाइन को लिविंग कह सकते हैं। सर मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं? हाँ बेसिकली मेनली। हाँ ओके सर। तो बेटा आपको अब एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई ना, देखो आपके जो टीथ का जो स्ट्रक्चर है ना वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट से आइडिया होना चाहिए टीथ के बारे में कि टीथ कैसा है, क्या है, थीकोडोंट टीथ किसको कहते हैं, तो मैंने डायग्राम आपको बता दिया, ठीक है।
अब आते हैं एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट बात के ऊपर. ओके, अब आपके टीथ के बारे में जानते हैं. अब आपके टीथ सारी प्रॉपर्टी बता रही थी, बट दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है टीथ की? सर हेटरोडोंट. हेटरोडोंट मतलब कि अलग अलग तरीके के होते हैं बेटा. इंसीजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर्स हैं, मोलर्स हैं. अब आइए हम गिनते हैं जरा. हम जरा इसको अगर दो हिस्सों में बांट दें ऐसे और आपके दांत गिनना शुरू करें तो बेटा आपके एक इंसीजर है, ठीक है, फिर एक और इंसीजर है तो दो इंसीजर्स हो गए, फिर एक कैनाइन है इस तरफ, एक कैनाइन हो गया, ठीक है ना, दो प्रीमोलर्स हैं तो दो प्रीमोलर्स हो गए, और बेटा आखिरी में तीन मोलर्स हैं, तीन मोलर्स हो गए. तो ये आपका फॉर्मूला बन गया 2-1-2-3. अब जैसी बनावट नीचे की है वैसी बनावट ऊपर की होगी, तो नीचे ऊपर बनावट सेम है तो 2-1-2-3/2-1-2-3 ये आपका डेंटल फॉर्मूला हो जाता है. किसका फॉर्मूला है ये? आधे मतलब आपके पूरे मुंह को, तो ये ऊपर के दो हिस्सों का पार्ट है, ये 2-1-2-3 और ये 2-1-2-3, और बाकी आधा तो सेम ही होगा, हम बायलेटरली सिमेट्री कर ले, जैसा राइट था वैसा लेफ्ट था. तो 2-1-2-3 राइट में ऊपर नीचे, 2-1-2-3 लेफ्ट में ऊपर नीचे, ठीक है. और टोटल अगर हम जोड़े इसको, इसको अगर हम जोड़ करें तो 2-1-2-3 ये कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 2 6, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 2-1-2-3 नीचे, 8 और 8 कितने हो गए, 16 हो गए, ठीक है, क्लियर. अच्छा 16 तो हुए लेफ्ट साइड में, और 16 ही कहाँ हुए, राइट साइड में. तो कुल मिला के बेटा कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए, ठीक है ना, 32 टीथ हो गए, वेरी गुड बेटा. तो 16 दांत आपके हो गए लेफ्ट साइड में, और 16 ही दांत हो गए बेटा आपके राइट साइड में, टोटल हो गए आपके 32 दांत. फॉर्मूला याद रखिएगा 2-1-2-3 है, 2-1-2-3. अच्छा बेटा सानवी तीसरी प्रॉपर्टी क्या बताई आपने? अच्छा अच्छा एक बात सुनो बेटा, एक मिनट, इन सभी दांतों की ना अलग अलग प्रॉपर्टी होती है. जैसे एक बात बता, ये चूहा देखा, चूहा, चूहा सब लोगों ने देखा है? यस सर. यस सर. चूहा क्या करता है, कैसे खाना खाता है चूहा? कुतर कुतर के खाता है. चूहा कैसे कुतर कुतर के खाता है ना, मतलब बाइटिंग करता है, टियरिंग करता है. टियरिंग नहीं बेटा, बाइटिंग करता है, ठीक है, फाड़ेगा थोड़ी ना, कुतरेगा, बाइट करेगा, ठीक है ना. तो जो आपका चूहा है ना, उसके मेनली उसके पास इंसीजर रहते हैं प्रोमिनेंट, बहुत अच्छे. तो वो उसके जो इंसीजर है उसको इस तरीके से कुतर कुतर के खाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. आ रही बात समझ में? तो इंसीजर किसके लिए, बाइटिंग के लिए है, गॉट द पॉइंट. जो हाथी के दो दांत बाहर आए होते हैं ना बेटा, है ना, जो उसके दिखाने वाले होते हैं, खाने वाले नहीं दिखाने वाले, तो जो उसके दो दिखाने वाले दांत होते हैं ना, वो भी इंसीजर्स होते हैं, ठीक है. अच्छा आगे बात करते हैं बेटा. ये बताओ कि ये जो ये होता है, क्या नाम है, ये जो टाइगर है या लायन है, इनके भी तो दो दांत बहुत पहने होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, होते हैं ना, तो साइडों से निकल रहे होते हैं. यस सर. बेटा वो कौन से होते हैं? वो होते हैं उनके कैनाइन, ठीक है ना. फैमिली भी तो, बिल्लियों की फैमिली का नाम क्या है, कैट फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे. और ये जो डॉग वॉग है, इनके भी तो कैनाइन प्रोमिनेंट है, इनकी फैमिली का नाम क्या है? कैनिडे. कैनिडे उनकी फैमिली, डॉग वाली फैमिली का नाम है, कैट वाली फैमिली का नाम है फेलिस, है ना. खैर डॉग में भी कैनाइन काफी क्या रहते हैं, प्रोमिनेंट रहते हैं. तो आ रही बात समझ में? तो कैनाइंस किसके लिए हो गए? अब ये डॉग या कैट, ये डॉग कैट ये सब जो होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा? ये जैसे लायन है, ये मांस को फाड़ फाड़ के खाएगा, है ना. तो कैनाइन किसके लिए? टियरिंग के लिए. क्लियर है पॉइंट? अच्छा अब जब आपकी गाय भैंस बकरी रहेगी ना, उसमें बेसिकली प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है ना. उसमें ये इंसीजर कैनाइन जैसे प्रोमिनेंट नहीं होंगे,
क्योंकि उनको क्या करनी होती है, ग्राइंडिंग करनी होती है ना, ये जो घास है या पत्तियां हैं है ना, ये बहुत ज्यादा सख्त होती है तो उनको ग्राइंड करना होता है, तो ग्राइंडिंग के लिए प्री मोलर्स और मोलर्स हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, फंक्शन क्लियर? यस यस सर। बड़े सर में आ गया? यस सर। अच्छा, अब आपके दांत जिंदगी में कितनी बार आते हैं? दो बार। ये आपकी जिंदगी में दांत कितनी बार आते हैं बेटा? दो बार आते हैं। देखिए कि मिल्क टीथ आते हैं, मिल्क टीथ जो आपके होते हैं ना बेटा, उसका भी फॉर्मूला होता है, वो होता है 2102/2102। मतलब बेटा मिल्क टीथ में क्या नहीं है? प्रीमोलर्स। कितने प्रीमोलर्स नहीं है? दो प्रीमोलर्स नहीं है, मतलब टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए हमारे एट हो गए है ना, आठ हो गए। ठीक है, तो आठ प्रीमोलर नहीं आते। और क्या नहीं आता सर मोलर्स में? और एक नहीं है। हाँ, मोलर में एक नहीं है, तो टोटल कितने हो गए? तो चार ये भी हो गए, तो आठ वो और चार ये, टोटल कितना हो गया बेटा? कितने दांत हो गए कुल मिला के? 12 हो गए है ना, मतलब 12 दांत। हाँ हाँ, सुनना ध्यान से, 12 दांत ऐसे हैं आपके जो आपके दूध के दांत नहीं है, मतलब कि जो आपके मिल्क टीथ में नहीं आएंगे, जो एक ही बार आएंगे जब आप एडल्ट होंगे है ना, क्योंकि मिल्क टीथ में ये सारे दांत हैं, ये सब चले जाएंगे, ये सब टूट जाएंगे और इनको रिप्लेस करने के लिए नए दांत आएंगे। ठीक है ना, लेकिन प्रीमोलर्स तो थे ही नहीं कभी, तो प्रीमोलर जो आपके होते हैं वो जिंदगी में एक ही बार आते हैं, और एक मोलर जिंदगी में एक ही बार आता है, मतलब टोटल चार, तो आठ प्रीमोलर्स और टोटल चार मोलर्स आपके जिंदगी में एक ही बार आते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो बेटा ये जो जिंदगी में एक ही बार आया है ना, वो हो जाएंगे मोनोफायडोंट। वो क्या हो जाएंगे? मोनोफायडोंट। लेकिन बाकी जो दांत हैं, ये वाले जो फॉर्मूला 2102/2102 काउंट करना, कितने हुए टोटल? 20 जो दांत है, पहले तो मिल्क टीथ बन के आए, फिर ये टूट गए, फिर नए वाले आए, तो ये तो आ रहे दो बार, तो ये कैसे होगा? डायफायडोंट। डायफायडोंट, क्लियर पॉइंट? दो बार आने वाले डायफायडोंट है ना। तो हम ह्यूमंस को या मैमल्स को मेनली क्या बोलते हैं? डायफायडोंट बोलते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द दांत जब आ रहे हैं दो बार आ रहे हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है, यस। अच्छा, तो क्या हमारे सारे दांत डायफायडोंट हैं? सारे दांत डायफायडोंट है तुम्हारे? नो सर, सिर्फ वही डायफायडोंट है जो मिल्क टीथ है, वही तो दो बार आ रहे हैं, एक बार बचपन में, एक बार जवानी में, वही तो दो बार आ रहे हैं। तो कितने दांत डायफायडोंट है हमारे? 20। और मोनोफायडोंट कितने? 12। टोटल कितने हो गए? 32। अब ये बताओ कि एक होती है अक्कल दाढ़, सुनिए अक्कल दाढ़ के बारे में। यस सर, विजडम टीथ। जैसे विजडम टूथ कहते हैं बेटा, ये विजडम टीथ क्या होता है सर? ये थर्ड मोलर होता है सर, जो मोलर थर्ड मोलर, ये आखिरी वाला मोलर होता है। हाँ, थर्ड मोलर, जी 2123 में तीन मोलर है ना, इसका आखिरी वाला, ठीक है ना, वो क्या है? विजडम टीथ है। ठीक है, तो कितने विजडम टीथ हो गए बेटा? फोर हो गए। अच्छा, आप इसे विजडम टीथ क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि 18 साल के बाद आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, 18, 20, 25 लेट आता है, और कई बार नहीं भी आता है। ठीक है ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि जब हम बड़े हो गए या वाइज हो गए एक तरीके से, हालांकि जरूरी नहीं कि जो बड़ा हो वाइज भी हो जाए, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन है कि जब बड़े हो जाते हैं ना, जब वाइज हो जाते हैं, तब ये दांत आता है,
इसलिए इसे विजडम टीथ बोल देते हैं, ठीक है ना। तो विजडम टीथ नाम है, लेकिन रूडिमेंटरी है, कभी कभार मतलब वेस्टिजियल है, कभी कभार नहीं भी आता, और नहीं भी आएगा तो कोई आप मर नहीं जाओगे, तो कोई ऐसा जिसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? यस सर, यस सर। चलिए तो बेटा आज की क्लास के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी बातें फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तीर्थ का नाम बताया वो फिर से बता दो, स्पेलिंग बता दो बेटा। विजडम टीथ, WISDOM। सर ये जो हार्ट पैलेट का काम क्या होता है बेटा, एक बार बता, हार्ट पैलेट निकाल दे फिर क्या होगा? पता नहीं, सोच, इमेजिन कर, तेरा हार्ट पैलेट नहीं है फिर क्या होगा? सर मैं बोल नहीं पाऊंगा। बोल क्या बेटा, तेरा खाना सीधा नाक में चला जाएगा ऊपर। हाँ। समझ रहा है? हाँ। तो वो नेजल चैम्बर को ओरल चैम्बर से अलग कर रहा है। हाँ सर ठीक है। हाँ सानिया, आई मीन शांति। सर सेल साइकिल वाले चैप्टर के मैंने थोड़े क्वेश्चंस किए थे, तो उसमें एक दो चीजों में डाउट है। पूछो। सर एक तो ये कि जो फ्रेगमोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है वो सेंट्रीपिटल है या सेंट्रीफ्यूगल? फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन? हाँ देखो, फॉर्मेशन तो अंदर की तरफ हो रहा है, मतलब ये उनका फॉर्मेशन तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल की बात ही नहीं करेंगे। किसने बोला आपको ये बात? सर ये कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल जो ग्रो करेगा वो अंदर की तरफ। देखो जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना, जो सेल प्लेट बन रही है, सेल प्लेट अंदर से बाहर जाती है, तो जब अंदर से बाहर जा रही है तो हम उसको क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं सेंट्रीपिटल बुलाते हैं। मैंने एनिमल सेल डिवीजन क्या बताया था? एनिमल सेल डिवीजन सेंट्रीपिटल होगा और सेल प्लेट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल। हाँ वो सेंट्रीपिटल बताया था ना मैंने, एनिमल वाला है, सेंट्रीपिटल बताया ना एनिमल वाला। यस हाँ, तो प्लांट वाला सेंट्रीफ्यूगल रहेगा सर। लेकिन जो फोर्स फिजिक्स के सेंटर कौन से वाली बाहर लगती है? हाँ ये तो समझ गई, लेकिन वो सेल प्लेट, ये फिजिक्स का, हाँ सेल प्लेट तो सेंट्रीफ्यूगल है, लेकिन जो फ्रेगमोप्लास्ट ग्रो करते हैं वो तो ऐसे मतलब बाहर से अंदर की तरफ नहीं ग्रो करते, बाहर से सेल के बीच की साइड पे फिर वहां सेल प्लेट बनाते हैं। क्या फ्रेगमोप्लास्ट की ग्रोथ की बात ही नहीं बता रहा ना, फ्रेगमोप्लास्ट की ग्रोथ की हम बात नहीं करते, वो तो जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने के लिए बना दो। हम हमेशा सेल प्लेट या सेल वॉल के फॉर्मेशन की बात करते हैं, साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं कि वो सेंट्रीफ्यूगल है सेंट्रीपिटल है, उसकी बात करते हैं। ये तो जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने वाली बात है कि अंदर बन रहे बाहर बन रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, कई चीजें अंदर बनती है बाहर बनती है। फिर तो क्रोमोसोम की बात करने लगेंगे लोग कि क्रोमोसोम की मूवमेंट कैसे हो रही है, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, नॉनसेंस चीजें। फोर्स लगती तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल कहेंगे ना, कि अंदर फोर्स लगी या बाहर कितना फोर्स लगी। हाँ और सर एक क्वेश्चन है कि अमाउंट ऑफ डीएनए, सर ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वाला कि अमाउंट ऑफ डीएनए जैसे नॉर्मल 2C है इनिशियल अमाउंट, तो 4C कौन कौन से स्टेजेस में रहेगा? तो एक ऑप्शन है ओनली G2 और एक ऑप्शन है G2 and M। मेरे को आंसर तो मतलब नहीं है सानवी, मेरे को आंसर तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, मुझे कॉन्सेप्ट से मतलब है। हाँ, तो मुझे कौन से बहुत ही समझदार वाली बात करी तुमने, एकदम सही है। क्या सर लेकिन ये है कि जैसे ऑप्शन में अगर एम फेज लिखा है तो एम फेज में तो कैरियोकाइनेसिस और साइटो मतलब दोनों आ जाती हैं, तो एम फेज में फिर 4C मानेंगे या नहीं? मतलब मेजॉरिटी में तो 4C रहता है बस साइटोकाइनेसिस छोड़ के। बेटा एक बात बता दे, ये एम फेज खत्म कब होता है? एम फेज खत्म साइटोकाइनेसिस के बाद होता है ना,
और फोर्थ से टू सी कब होगा? साइटोकाइनेसिस जब चल रहा होगा, मतलब जब हो जाएगा साइटोकाइनेसिस के बाद। हाँ हाँ बस फिर मिल गया तेरे को तेरा आंसर। जब तक साइटोकाइनेसिस चल रहा है भाई साहब तब तक वो फोर सी है, जब पूरा हो गया तो एनफेज ही नहीं रहा, वो तो जीवन आ गया। आगे नहीं आ गया? अच्छा हाँ Got it? हाँ कि ना, सही बात है ना? यस सर ठीक है। एनी अदर डाउट? तो एम फेज में मतलब एम फेज में तो फोर सी है। हाँ क्योंकि तब तक पूरी नहीं हुई है साइटोकाइनेसिस, और पूरी हो गई तो जीवन आ गया। हाँ मतलब पूरी करते ही तो जीवन ही। हाँ ठीक है समझ गई। हाँ सर। हाँ भाई सर, जो डेंटाइन होते हैं वो कैल्सिफाइड होते हैं, मतलब उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, उसमें भी रहेगा लेकिन और ऑर्गेनिक प्रोटीन भी रहेगा, मतलब कंटेंट कम हो जाएगा इनामल के मुकाबले। और सर जो इनामल होते हैं फिर ऑर्गेनिक होगा, क्या होगा? इनऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ बेटा, सिर्फ इनऑर्गेनिक का कुछ नहीं बना, थोड़ा ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, मेजरली इनऑर्गेनिक होता है, मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा। हाँ कंपैरेटिवली ज्यादा। बोन जैसे तेरी हड्डी है ना, हड्डी के जैसे कॉम्पोजिशन है इनामल का। ओके सर। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? सर एक और क्वेश्चन था कि अ सेल इज डेस्टिन्ड टू कंप्लीट सेल साइकिल, तो अच्छा इसमें जैसे वो एस फेस में आ जाएगा, जैसे वो एस फेस में आया, जैसे जीवन वाला बैरियर पास किया ना, ठीक है ना, एस में पहुंचा, उसने फिर डिवाइड करना है। सर अब इसमें ये कि एक ऑप्शन में ये भी था कि जब वो जी नॉट चेक पॉइंट को क्रॉस कर लेगा, जी नॉट, हाँ व्हेन इट क्रॉसेस जी नॉट चेक पॉइंट, जी नॉट चेक पॉइंट नहीं, जी वन चेक पॉइंट बोलता तो समझ में आता। और एक ये भी है कि व्हेन इट क्रॉसेस रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, ये सही है लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पार करते ही ना वो आता है स्पेस में। एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या पॉइंट है ना, किताबें लिखती हैं कि जब वो एस्पेस में आया तो उसने डिवाइड करना ही करना है। अच्छा अब ध्यान से सुन, ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर उसने रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पार किया तो उसने एस में आने आना है, तो फिर दारमदार पहुंच गया रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के ऊपर। तो सही कॉन्सेप्ट ये है कि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पार करते ही वो डिस्टेंट होता है। किताबों में रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी होती मोस्टली, इसीलिए बोल देते हैं एस्पेस, वरना सही एग्जैक्ट आंसर इसका रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है। ओके सर, इसका मतलब जी नॉट चेक पॉइंट से कुछ रिलेशन नहीं है? ए बेटा जी नॉट चेक पॉइंट से बाहर आएगा, मतलब सेल पहले सेल साइकिल से ना सस्पेंड हो गया था, नौकरी पे वापस आ गया है, अब वो डिवाइड करेगा नहीं करेगा ये अच्छा, उसकी हाँ। आगे बात है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट उसकी ग्रोथ प्रॉपर होगी जीवन में तब जाके रिस्ट्रिक्शन पॉइंट पार करेगा नहीं करेगा। यस सर। अरे बस हाँ एक बार मुझसे सवाल करने से पहले स्वयं से सवाल करें, आपको डाउट कब आएंगे? चलिए किसी को कोई और डाउट नहीं है तो फिर हम बाद में फिर अगली बार बात करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।